the joy of the first steps of a child. हेलो लवली पीपल्स, वेलकम टू माय स्टडी व्लॉग। दिस इज मी भव्या एंड आई एम अ 12th ग्रेडर। मैं क्या ही बताऊं, मैं दो तीन दिनों से प्रोकास्टिनेट कर रही हूँ एंड आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाते हैं आज के डे को। तो पहली बात तो मैं बहुत ज्यादा नींद में रहती हूँ, तो आज मैं 7:30 पे ही उठ गई थी। ये तुम्हारे लिए ज्यादा है बट मेरे लिए बहुत कम है, ठीक है? तो मैं जल्दी उठ गई थी मेरे हिसाब से। सो बाकी सब ऑल सब काम करके मैं 8:30 पे बैठी पढ़ने एंड आई स्टार्टेड डूइंग फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, जो भी मेरा लाइक टू डू डायरी के अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा है। अभी तो लाइक मेरी क्लास 12 स्टार्ट हुए 1 month ही हुआ है, तो अभी से अगर मैं अपना बेस बनाऊंगी न्यूमेरिकल्स पे तो लास्ट में जाके मेरे को प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट? तो मैं एक्स्ट्रा बुक से ना बेस न्यूमेरिकल्स कर लेती हूँ, बिकॉज जो NCERT में न्यूमेरिकल्स होते हैं वो थोड़े हाई लेवल होते हैं, लाइक एकदम से ना बनते नहीं है वो। तो जो मेरी एक्स्ट्रा बुक है उसके अंदर बेस से लेके लाइक बेसिक न्यूमेरिकल से लेके हाई लेवल न्यूमेरिकल्स तक दिया हुआ है। सो अभी मैं बेसिक न्यूमेरिकल्स कर रही हूँ, जो बीच में एग्जाम्पल्स वगैरह दिए रहते हैं उस बुक में। सो या दैट रियली हेल्प मी अ लॉट। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करने के बाद मैंने अपने थंबनेल के लिए फोटोशूट किया, वो तो करना ही पड़ता है। अब देन मैंने सोचा कि जो है ना मैं केमिस्ट्री का कर लेती हूँ, तो केमिस्ट्री का मेरा टेस्ट हो सकता है कल ही। तो अगर कल टेस्ट होता है तो मैं तुम्हें अपने मार्क्स भी बता दूंगी नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में, या फिर बता दूंगी कैसा टेस्ट हुआ था। प्लस मेरा मैथ का भी टेस्ट हुआ था और उसके मार्क्स भी शायद कल पता चल जाए, तो मैं सब कुछ बता दूंगी नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में। तो सब्सक्राइब करके रखना, ओके? एंड इफ़ यू वंडरिंग कि मैं कहाँ से कर रही हूँ प्रिपरेशन, तो ये मेरे स्कूल के ही नोट्स हैं, बिकॉज मेरे को लगता है कि स्कूल के नोट्स में से ही आएगा शायद टेस्ट। एंड यस यस यस, असाइनमेंट्स में से भी आ सकता है टेस्ट जो स्कूल में दिए थे, तो या वो भी मैं थोड़ा बहुत अब प्रिपेयर करके चली जाऊँगी एंड देखते क्या होता है। बाकी मेरे को अपना और भी काम करना रहता है अपना टू डू के अकॉर्डिंग, तो वो भी मैं करती रहूँगी साथ साथ में। एंड अभी भी तुम कंफ्यूज अगर हो रहे हो तो मैं बता देती हूँ, आई एम अ 2024 एंड 25 बैच का स्टूडेंट, का स्टूडेंट नहीं की स्टूडेंट, ओके? तो अभी तो मेरे बोर्ड्स नेक्स्ट ईयर हैं, तो अभी से ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, ठीक है? जस्ट काम डाउन, ओके? हाँ, डर तो लगता है ऑफकोर्स कि बोर्ड्स हैं इस ईयर, बट चलो यार छोड़ो उसको, अभी 1 year है, थोड़ा सा टाइम लेते हैं। एंड गेस वॉट, लाइक पता ही नहीं चला कब फेब्रुअरी निकल गया, लाइक ऑलमोस्ट पूरा फेब्रुअरी ख़त्म हो चुका है। वही बात है, टाइम कब निकल जाता है पता नहीं चलता है ना। एंड आई एम थिंकिंग कि अब ना अच्छे से प्लानिंग्स बना के चलूँगी मैं मंथ वाइज। अब मार्च आने वाला है, तो मार्च में हो सकता है कि हमारे एग्ज़ाम हो जाए फर्स्ट PT, तो देखते हैं, उसके लिए भी प्लानिंग्स करेंगे। एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी अप मार्च के स्टडी प्लान्स। एंड या मैं कुछ भी लाइक हिडन नहीं रखना चाहती हूँ रिलेटेड टू स्टडीज़, बिकॉज ये स्टडी चैनल है, तो स्टडी से रिलेटेड हर एक चीज़ मैं यहाँ पर बता देती हूँ। बाकी अगर तुम लोग स्टडी के अलावा कुछ चीज़ें पूछते हो तो वो हर एक चीज़ में से बताई नहीं जाती, बिकॉज देखो अब मेरा भाई तो आ जाता है मेरे चैनल पर, लेकिन मेरी मम्मी नहीं आती, ना मेरे पापा आते हैं चैनल पर। तो अब उनको पता तो है चैनल के बारे में, बट अगर वो नहीं आना चाहते तो लेट्स टेक इट, है ना? और मेरा भाई इस करके आता है बिकॉज उसका मन करता है, तो या तो पर्सनल इश्यूज़ की वजह से ही मैं अपने स्टडी टेबल तक ही रखती हूँ इस वीडियो को, उससे बाहर मैं नहीं दिखा पाती ज़्यादा। बट एनीवेज ये तो तुम लोग भी समझ सकते होंगे ना, यू आर सो अंडरस्टैंडिंग। एंड यहाँ पे मेरा ये ब्रेसलेट मिल गया था, पहले तो ये खो गया था बट मेरे को मिल गया एंड आई एम रियली सो हैप्पी। टाइम हो गया था 10 o'clock, 8:30 पे मैंने स्टार्ट किया था ना, तो 10 o'clock हो गए थे एंड ये सब कुछ काम मेरा हो चुका था टू डू डायरी में जो मैंने मार्क किया, बस एक ही तो हुआ था। एंड दूसरा भी मेरे को प्रॉपरली करना है टेस्ट की प्रिपरेशन, बिकॉज मेरा असाइनमेंट रह गया है एक बार गो थ्रू करना, तो वो गो थ्रू कर लूँगी मैं। उससे पहले मैंने सोचा कि एक बार ना NCERT कर लेती हूँ फिजिक्स की, जो ऊपर लिखा हुआ था। फर्स्टली आई टायर्ड माई हेयर्स एंड या बोतल वगैरह फिल करके आनी थी मेरे को, तो वो सब कुछ किया एंड देन लेट्स स्टार्ट डूइंग फिजिक्स। सो गाइज, मैंने फिजिक्स की NCERT बुक ओपन करी एंड आई स्टार्टेड रीडिंग फॉर द थ्योरी। प्लस मैंने वीडियो लेक्चर्स भी लेने का ट्राई किया था NCERT लाइन बाय लाइन। हाँ, मेरे को जो चैप्टर 2 है ना फिजिक्स का, उसकी मेरे को NCERT लाइन बाय लाइन रीडिंग एक बार ही देखनी थी, तो मैंने YouTube पे सर्च किया एंड कुछ वीडियोस हैं YouTube पे लाइन बाय लाइन वाली, तो जो सबसे सही लगी मेरे को मैंने वो चलाई एंड आई टुक द लेक्चर। बट मैं इस क्लिप में तो खुद से पढ़ रही हूँ। देखो, वीडियो लेक्चर जब मैं लेती हूँ तब मैं दिखा नहीं पाती, वो तो मैं तुम्हें हर वीडियो में बताती हूँ। बाकी तुम्हें इन वीडियोस में समझ आ जाता होगा कि क्यों मैं तुम्हें अपना रूम नहीं दिखाती हूँ ज़्यादा, बिकॉज पीछे ना बैकग्राउंड थोड़ा सा ऐसा हो रखा है। बाकी रेस्ट इज़ ऑल ओके। एंड अभी इस वीडियो में मैं ज़्यादा बोल बोल के नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है? जस्ट ऐसे ही लाइक
मम्बलिंग कर रही थी मैं, बट कई बार मैं बहुत ज्यादा वाइल्ड हो जाती हूँ एंड बहुत जोर जोर से चीख चिल्ला के पढ़ती हूँ, बट उस टाइम पे मेरे को रियलाइज नहीं होता, मेरे को अच्छा लग रहा होता है तो मैं चिल्ला चिल्ला के लाइक पढ़ने लग जाती हूँ। एंड प्लीज़ इग्नोर अगर तुम्हें लगता है कि मैं खड़े होकर पढ़ती हूँ, बिकॉज हाँ मैं खड़े होकर भी पढ़ती हूँ आधे वीडियोज में, बल्कि वीडियोज में तो मैं ज्यादा खड़ा होकर पढ़ती भी नहीं, वैसे तो मैं खड़े होकर पढ़ लेती हूँ। हाँ मेरे को सही लगता है कई बार खड़े होकर पढ़ना भी, तो मैं कई बार खड़े होकर ही पढ़ती हूँ, बट एनी वेज डोंट कंसिडर दैट। ये सब तो ठीक भी है, बट जब मैं बेड पे होती हूँ तो बेड पे लेट के पढ़ती हूँ तो वो ज़्यादा ही वियर्ड हो जाता है। और बल्कि अब तो मेरी प्लानिंग भी है कि अब मैं बेड पे नहीं जाती, लाइक जब ट्वेल्थ स्टार्ट हुई थी ना तब मैंने ये प्लानिंग की थी कि भाई अब बेड पे नहीं जाना है, बिकॉज मैं बेड पे बहुत ज़्यादा लेटती हूँ और ढंग से पढ़ भी नहीं पाती, तो बस अब मैं बेड पे अपनी बुक्स वगैरह तो रख लेती हूँ बट पढ़ती नहीं हूँ बेड पे बैठ के, बिकॉज मेरे को नींद भी बहुत आ जाती है। तो या अभी क्लास ट्वेल्थ की स्टार्टिंग से ही मैं लाइक टेबल पे पढ़ रही हूँ, पता नहीं शुरू शुरू की एक्साइटमेंट है या क्या है, बट आई रियली लव दैट, बिकॉज इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है एंड या कॉन्सेप्ट अच्छे से जाते हैं मेरे दिमाग में। बाकी गाइस तुम लोग बताओ, तुम ऐसा तुम्हारा कौन सा वे है जिस वे में तुम्हारी प्रोडक्टिवनेस बढ़ जाती है जिस वे में जब तुम स्टडी करते हो, तो या कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, ऑफकोर्स आई रियली लव देम। तो गाइस इस टाइम पे मेरा फिजिक्स का कंप्लीट हो गया था, प्लस मैंने अपना असाइनमेंट भी गो थ्रू कर लिया था आई थिंक। सो एक बार टू डू डायरी में टिक मार्क्स कर लेते हैं, तो यहाँ पे एनसीईआरटी कर ली, प्लस ये केमिस्ट्री की भी एनसीईआरटी और टेस्ट प्रिपरेशन हो गई थी मेरी इस टाइम तक। इसके बाद मैं तुम लोगों को बताती हूँ मैंने क्या किया था। उसके बाद मैंने सर्च किया यूट्यूब पे अपना केमिस्ट्री का क्वेश्चन प्रैक्टिस, तुमने यहाँ पे देखा ही होगा टू डू में कि मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे, तो वहाँ से मैंने क्वेश्चंस निकाले चैप्टर टू सॉल्यूशंस के, प्लस मैंने कॉपीराइट इश्यूज करके ये ब्लर कर दिया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एंड क्वेश्चंस के बारे में बात करूँ तो क्वेश्चंस अच्छे थे एंड या एक्सपीरियंस भी ठीक था, फ़ोन से भी सही लाइक पढ़ा जाता है, तो हो गया था मेरा यहाँ पर से क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो ये करते करते मेरे को इतना टाइम हो गया था एंड देन उसके बाद मैंने सोचा कि एक बारी फिजिक्स की स्कूल की फेयर नोटबुक की भी रीडिंग लगा ही लेते हैं, ज़्यादा काम भी नहीं है, कर लेते हैं 10-15 मिनट लगेंगे। सो या उसके बाद मैंने ब्रेक लिया, लंच वगैरह किया एंड देन मैंने थंबनेल भी एडिट किया था एंड देन स्टेड अवे आई स्टार्टेड डूइंग मैथ्स। अब मेरे को मैथ्स का करना था वेक्टर्स इन माई टू डू, तो करते हैं। एंड इस हेयर क्लिप को इग्नोर कर देना, ये ऐसे रखा है बिकॉज मैंने अपने हेयर फिर से अनटाई कर लिए थे। सो वेक्टर्स मैं कर रही थी एंड उसका मैंने एक वीडियो लेक्चर भी देखा था यूट्यूब से एंड एक क्वेश्चन था जो कि कल टेस्ट में सर ने दिया था बट मेरे को आया नहीं, तो वो भी मैंने एक बार चेकआउट किया था कि उसका आंसर क्या होगा, तो वो मैंने देखा। एंड या अभी तो वैसे भी नॉर्मली टेस्ट है, इसका कौन सा बोर्ड में कोई रोल है, तो वैसे इसका यही रोल होता है कि अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करना, सो वही मैं ट्राई कर रही हूँ। आई एम सॉरी फ़ोन को ला गया था। अभी मैं लिख रही थी मैथ्स का प्रॉपर्टीज़ वगैरह दूसरे चैप्टर की वॉल्यूम 1 की, वेक्टर्स मेरा हो गया था एंड इसके साथ मेरी टू डू डायरी कम्प्लीट होती है। सो यहाँ पर कम्प्लीट होती है मेरी आज की टू डू डायरी। Now I'm going to tie my hair and all. तो अभी चलते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं, ओके? So thank you so much for watching. Bye bye. Take care. I want nobody but you. I want nobody but you.